हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो गाइज, एक और कमाल की वीडियो आ चुका है, जिस वीडियो में आपको ओनली फॉर 3 स्टेप में कुछ इस टाइप का एडिटिंग टोटल आप लोग को सिखाया करूँगा। देखिए, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आपको 1, 2 और 3 स्टेप को फॉलो करना है और आपको ऐसा एडिटिंग करना आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। बट आप लोग को बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा होगा, आप लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट आप लोग टेंशन ना लीजिए, बस आपको 3 स्टेप को देखना है, आप लोग को भी ऐसा एडिटिंग करना आ जाएगा और आप लोग भी तबाही मचा पाएंगे इंस्टाग्राम पे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई देरी के, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको कुछ ऐसा फोटो क्लिक करना होगा। देख लीजिए, आप लोग कुछ ऐसा फोटो क्लिक कर लीजिएगा और अपने हाथ का जो पोजीशन है वो आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह आपको हाथ का पोजीशन होना चाहिए। फिर सिंपली क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपल इस तरह स्मूथ कर लेना। देखिए, मैं लाइट रूम भी यूज नहीं किया हूँ, ना स्नैपसीड यूज किया हूँ, बस सिंपल ब्रश मार दिया हूँ अपने फेस पे। तो आप लोग को इतना काम करने के बाद मैं आपको कुछ बैकग्राउंड दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और बैकग्राउंड को हम लोग क्या करेंगे, ले चलेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम लोग पिक्सआर्ट में ला देंगे। तो आपको एक काम करना है, आपको जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे। तो देखिए, हमारा ये पहला स्टेप है। तो आपको क्या करना है, सिंपल अपने फोटो को ले लेना है और आपको ऐड पे क्लिक करना है। फिर आप लोगों में एक ऑप्शन होगा, देख लीजिए अभी फोटो आया है। देखिए, आप लोगों में एक ऑप्शन मिलेगा इधर रिमूव बीजी का, अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग फोटो रूम से कटआउट कर लीजिएगा। फिर हमको रिमूव बीजी पे जाना है और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। तो देखिए, कुछ प्रोसेसिंग लेगा और यह ऑटोमेटिक बैकग्राउंड हमारा कटआउट हो जाएगा। देखिए, कितना मस्त बैकग्राउंड हमारा कट गया। तो आप लोगों को सिंपल इस तरह जूमिंग करके इतना पे कर देना है। फिर गाइस, देखिए, इतना काम होने के बाद आपको मैं बैकग्राउंड सारा कुछ दे दूंगा, आप लोग बस डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपको इस वाले पीएनजी को लेना है और आपको इस वाले पीएनजी को लेना है और आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। फिर देखिए, लेने के बाद आपको इसको छोटा करके कुछ यहाँ पर लगाना है। देखिए यहाँ पर लगाना है और इसको छोटा करके हमको यहाँ पर, देखिए, दोनों को बराबर हमको रहने देना है। फिर कुछ इतना पर लगाने के बाद आपको देख लीजिए, इतना पर और अच्छे से लगा देते हैं। फिर आपको इधर देखिए और अच्छे से पर लगा देते हैं। फिर आपको इरेज पे जाना है और आपको इन्वर्ट करना है और आपको इस साइड से क्या करना है, अपने हाथ को बचा कर इस तरह हमको इसको रीस्टोर कर लेना है। देखिए, मैं जो जो क्लिक किया हूँ पार्ट, उसी पर आपको भी क्लिक करना है। देख, कितना मस्त हमारा ये पार्ट इस साइड का लग चुका है, आग का गोला। फिर आपको सही करना है और आपको इस पर जाना है, इरेज पर जाना है, इन्वर्ट करना है। फिर आपको कुछ इस साइड से रीस्टोर कर लेना है। देखिएगा कितना ज़्यादा आसान है, बट आप लोग को मुश्किल लगता होगा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आप लोग टेंशन कहाँ ले लेते हैं। तो आप लोग को इतना पे लगा लेना है, फिर आपको सही करना है। फिर इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको जाना है स्टिकर पे और आपको सर्च करना है लाइट पीएनजी। तो देखिए, हम लोग लाइट पीएनजी सर्च करेंगे, आपको इस वाले लाइट को लेना है और इसको लेने के बाद आपको ब्लेंड जाकर स्क्रीन करके और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको जूमिंग करना है और हमको इसको यहाँ पर लगाना है, इसको मूव डाउन हम लोग कर देंगे। देखिए, इस तरह मूव डाउन हम लोग कर देंगे, इस टाइप का हो जाएगा। फिर आपको जाना है कहाँ पे, एडजस्ट पे और हुई पे जाकर इसको पूरा हाई करना है। कुछ इस कलर देखिए बैकग्राउंड से मैच हो रहा है। तो आपको इतना काम करके आप लोग इसको ओपेसिटी को डाउन कर दीजिएगा। देखिए, आप लोग को इतना काम सिंपली कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने आँख को वाइट करेंगे। हमको आँख को वाइट करने के लिए जाएंगे स्टिकर पर और आप लोग सेटिंग को ध्यान से देखिएगा। फिर हमको सर्च पर जाना है और आप लोग क्या करेगा, वाइट आप लोग बैकग्राउंड सर्च कर दीजिएगा। देखिए, आप लोग व्हाइट बैकग्राउंड सर्च करेगा तो बहुत सारा आप लोग को ऐसा मिल जाएगा। तो आपको किसी भी एक व्हाइट वाले फ़ोटो को ले लेना है। फिर हमको इतना करके आपको इरेज पे जाकर आपको इनिवेट कर देना है। फिर हम पूरा जूमिंग करेंगे और रीस्टोर पे जाकर आपको देखिए इस तरह फिलअप इसको करना है। देखिए, इस तरह कितना मस्त हमारा व्हाइट हो रहा है। तो आपको भी सिंपल इस तरह व्हाइट कर लेना है अपने आँख को। देखिए, कितना मस्त इस साइड का हो गया। फिर आप लोग को देखिए, आप लोग को अच्छे तरह से व्हाइट करना है। मैं तो मान लीजिए आप लोग को सिखा रहा हूँ तो जल्दीबाजी में सिखाता हूँ, तो इसलिए कुछ गलत हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी। और आपको अच्छे तरह से इस तरह वाइट कर देना है। देखिए, अपने आँख को तो मैं अच्छे तरह से कर देता हूँ। फिर देखिए, कितना मस्त हमारा फोटो लगेगा। देखिए, इस तरह तो देख लीजिए मैं कितना मस्त कर रहा हूँ वाइट, और आपको भी इसी तरह वाइट करना है। ठीक है, अपने आप आँख पर खूब मस्त इस तरह वाइट पार्ट कर दीजिएगा। फिर इसके ओपेसिटी को आप लोग कुछ इतना कर दीजिएगा। देखिए, इतना आप लोग को काम करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इतना काम होने के बाद आपको सही पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इधर आना है ड्रॉ वाले टूल्स पे और आपको इधर शेप जाकर कर लेंगे। फिर आपको देखिए एक लास्ट ऐसे बचा है जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ले चलेंगे फोटो को हम लोग कहाँ पे, लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, और लाइट रूम में सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप लोग को लाइट रूम में आ जाना है और अपने फ़ोटो को ओपन कर लेना है। तो देखिए, मैं अपने फ़ोटो को ओपन इधर कर लेता हूँ। देखिए, ये रहा फोटो अपना, ये पहला वाला फ़ोटो था, ये बाद वाला फ़ोटो है। तो आपको फोटो को सिंपली ओपन कर लेना है।
फिर आपको कलर पे जाना है, ग्रेडिंग पे जाना है, और इस पे आने के बाद आपको इसको लोक करके इसको भी इतना लोक कर दीजिएगा, फिर आपको डॉन करना है, फिर आपको इसको कुछ इतना हाई करना है, इसको हाई नहीं इसको इतना कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, लो की तरफ, फिर इसको प्लस और इसको माइनस, आप लोगों को सिंपली इतना काम कर देना, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। फिर आपको आना है मिक्स पे, और आपको दोनों पे जाकर इसको लो करके इसको हाई कर, फेस पे चमक आ जाएगा, बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए कितना मस्त लग रहा है। फिर आप लोग येलो पे जाकर इसको भी हाई कर दीजिएगा, आपको देखिए फेस को ज़्यादा वाइट नहीं करना है, आप लोग अपने हिसाब से रख दीजिएगा। फिर आपको देखिए इतना काम होने के बाद आप लोग देख लीजिए इसको भी हम लोग हाई करेंगे, ठीक है, इतना हम लोग कर देंगे लगभग, इतना आप लोग कर दे। फिर आपको मिक्स पे आना है और आपको ग्रीन पे जाकर इसको लुक कर देना है, इस पे भी जाकर आपको इसको लुक कर देना है और इसको भी लुक कर देंगे। तो आप लोग को इतना सेटिंग ध्यान से कर लेना है। फिर हम लोग जाएंगे इस पे, इसको लुक करेंगे और इसको जाकर इसको लुक करेंगे। फिर आपको इस पे आकर देख लीजिए, इस सेटिंग में भी आप कर सकते हैं, बट मैं इसको इतना रहने दूंगा। फिर आपको डन करना है और आपको आना इधर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, और क्लैरिटी को हाई करके विग्नेट को लुक कर देंगे। और फिर देखिए इसके बाद डिटेल पे जाकर शार्पनिंग को हाई करेंगे। एंड गाइस यार हम फोटो 1 के हो चुका है रेडी, जो कि आप लोग देखने भी देखिए बिफोर एंड आफ्टर सारा फोटो हमारा पहले जैसा हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।